Good morning, all dear students. So class 9, yesterday we had started the physical features of India. हमारा जो भारत है, उसकी जो land है, उसकी physical features, वो किस तरह की land है, कैसी उसकी look है, क्या वो पूरी की पूरी plain है, या mountain से ढकी हुई है, या सिर्फ plateau है, island है, किस form में है, वो हमने इस chapter में पढ़ना है. So starting में थोड़ा सा इसकी introduction वाली जो दो slides थी, वो आपको already मैंने भेज दे दी. भी एक बार हम लोग कर रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है, हमारा जो देश है, इसमें इसकी जो लैंड है, इसमें लगभग हर तरह की फिजिकल फीचर्स नजर आती है. इंडिया में प्लेन्स भी हैं, नॉर्दर्न प्लेन, देन माउंटेन्स की फॉर्म में हिमालयन माउंटेन रेंज है, देन एक प्लेट्यू है, डेकन प्लेट्यू है, और उसके अलावा इंडियन डेजर्ट है जिसका नाम थार डेजर्ट है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, देन इसकी कोस्टल एरियाज भी हैं, इसके आइलैंड्स भी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो इस तरह से मैक्सिमम हर फिजिकल फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. मेनली जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया की, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. माउंटेन्स की बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स, देन नॉर्दर्न प्लेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको डेकन प्लेट्यू कहते हैं, इंडियन डेजर्ट है, दी कोस्टल प्लेन्स जिनको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहा जाता है, the islands, Andaman Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. इस पूरे चैप्टर में हम इन सिक्स थिंग्स को, अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स हैं, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे. आज की जो हमारा चैप्टर है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हम जानेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में. When we talk about the Himalayas, हिमालय की जो चोटियां हैं इस तरह की नजर आती है, बर्फ से ढकी हुई बहुत ही बड़ी बड़ी, जिसकी सबसे बड़ी माउंटेन एवरेस्ट जो है, इसकी हिमालयन माउंटेन की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 9000 मीटर है, यानी कि अराउंड 9 किलोमीटर है, 8848 मीटर उसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की. तो द हिमालयाज आर यंग ओल्ड माउंटेन्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हिमालय कैसे बना, दो लैंड मासेस आपस में इस तरह से टकराए और टकरा के ऐसे फोल्ड हो गए, हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की. इस तरह से हिमालयन एक फोल्ड माउंटेन्स है, बहुत ही हार्श यहाँ का क्लाइमेट है, लिविंग कंडीशंस बहुत टफ हैं, वेजिटेशन बहुत कम होती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है यहाँ पे. हिमालयस जो है, इनकी अगर लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, लेंथ देखिए इस इंडिया के मैप में यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक हिमालयन माउंटेन्स हैव 2400 किलोमीटर लेंथ. 2400 किलोमीटर की लेंथ है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स ब्रेथ, देन यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला इलाका, जम्मू कश्मीर वाले इलाके से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक कश्मीर में 4400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जबकि इस साइड में अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर के अराउंड है. द हिमालयस हैव थ्री पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ की ओर, सबसे ऊपर वाला हिमालय, फिर बीच वाला हिमालय, देन लोअर हिमालय, इनके अलग अलग नाम है. लॉन्गिट्यूडनली अगर देखें तो हिमालय को नॉर्थ से साउथ की ओर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सबसे नॉर्थ वाला पार्ट ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री कहते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचे माउंटेन्स यहाँ पे होते हैं, माउंटेन एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में है. देन मिडल हिमालय विच इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल, यहाँ पे जो माउंटेन पीक्स हैं 3700 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई जितनी है, जैसे कि पीर पंजाल है, धौलाधार है, कई तरह की बहुत सारी माउंटेन पीक्स इसमें है. देन सबसे नीचे वाला, बिल्कुल इसके हिमालय के बिल्कुल सदरन वाला शिवालिक हिल्स हैं, यहाँ पे 900 टू 1100 मीटर एवरेज ऊंचाई वाली यहाँ पे माउंटेन पीक्स मिलती है. ओके, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक हिल्स. शिवालिक हिल्स और यहाँ पे तीनों तरह के हिमालयस हैं, शिवालिक हिल्स सबसे लोअर हिमालय है, और हिमाचल, हिमाचल जो है मिडल हिमालय और लोअर हिमालय के बीच में एक अलग से एक हिमालय की छोटी सी रेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं, डूंस. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन एंड लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिल्स आर नोन एज डूंस. तो डूंस क्या होते हैं, डूंस बिल्कुल ही डीप घाटियां होती हैं, जो कि सेंट्रल हिमालय यानी कि मिडल हिमालय हिमाचल और लोअर हिमालय शिवालिक के बीच में गहरी खाइयां, जिनको हम दून कहते हैं, वो काफी ज्यादा होती हैं. ओके, देन
इसी तरह से जो हिमालय की डिवीजन हमने पहले लॉन्गिट्यूडनल देखी यानी नॉर्थ से साउथ की ओर देखी, इसमें हम हिमालय की एक और डिवीजन की गई है, ये वेस्टर्न साइड से लेके इधर ईस्टर्न की ओर, वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ओर जो हिमालय की जो डिवीजन की गई है, इसको हम वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन कह सकते हैं हिमालय की। इसके बेसिस पे वी कैन डिवाइड द हिमालयस इनटू फोर पार्ट्स। सबसे पहले वाला जो पार्ट है, सबसे वेस्टर्न पार्ट में हिमालय है, दिस इज नोन एज पंजाब हिमालयस। ये जो हिमालय है, दिस इज बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर्स। यहाँ के इसके बीच में से जो रिवर्स निकलते हैं इंडस एंड सतलुज रिवर्स। देन उसके बाद वाला जो हिमालय है, इसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। यहाँ पे जो एरिया है सतलुज एंड कली रिवर्स के बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला था पंजाब हिमालय। ओके, देन उसके बाद आ जाता है नंबर थर्ड वाला, ये हिमालय जिसको हम नेपाल हिमालय कह देते हैं, नेपाल हिमालय। दिस इज, यहाँ पे रिवर्स कौन से हैं, कली एंड टिस्टा रिवर्स, तो ये वाला है हमारा हमारा नेपाल हिमालय। देन उसके अलावा ये वाला जो नीचे इस साइड वाला है असम हिमालय, मेन ये फोर्थ पार्ट है, दिस इज नोन एज असम हिमालय। दिस इज बिटवीन टिस्टा एंड दी दिबांग, दिबांग यानी कि इसका ही ब्रह्मपुत्र का ही नाम है सेंगपो, चाइना में इसका नाम सेंगपो है। सो टिस्टा एंड दिबांग रिवर्स के बीच वाला जो इलाका है, दिस इज असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कमाऊ हिमालय एंड पंजाब हिमालय। इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट की ओर हिमालय की फोर डिवीजन की गई है एंड नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी थ्री डिवीजन हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लोअर हिमालय। ग्रेटर हिमालय यानी कि हिमाद्री, मिडल हिमालय यानी कि हिमाचल एंड लोअर हिमालय यानी कि शिवालिक। इस तरह से तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ओनली हिमालय के बारे में है। नोट्स आपने कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, अभी तक इतना ही बेटा, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से नोट्स लिखना अच्छी हैंडराइटिंग में। बाय बाय।